नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं शिवानी कोहक। हिलरी क्लिंटन की उम्मीदवारी पर पार्टी ने लगाई मुहर। अमरीकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव, मगर क्या बदलेगी आम अमरीकी वोटरों की तकदीर। फ्रांस में पादरी की हत्या के बाद धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग। अलग अलग धर्म के नेताओं ने राष्ट्रपति ओलांद से की मुलाकात। सीरिया में कुर्दों के नियंत्रण वाले शहर में बड़ा ट्रक बम धमाका, 44 लोगों की मौत। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। ब्रिटेन में वर्चुअल ड्राइविंग के सहारे युवाओं को जिम्मेदार ड्राइवर बनाने की कोशिश। और अगले हफ्ते शुरू हो रहे रियो ओलंपिक पर बीबीसी की विशेष पेशकश, कुछ महिला खिलाड़ियों के रियो तक के सफर की कहानी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए जुटे प्रतिनिधियों ने हिलरी क्लिंटन की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर मुहर लगाकर अमेरिकी राजनीति में एक नया इतिहास बना दिया है। वे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अमेरिकी महिला बन गई हैं। इस बीच फिलाडेल्फिया में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय ने आम अमरीकी वासियों से मिलकर चुनावी वादों का सच जानने की कोशिश की। ये है अमेरिका का वो बदनुमा चेहरा जो इन दिनों कई बड़े शहरों की ओट में छिपा नजर आता है। उजाड़ पड़े मकान, बंद पड़ी फैक्ट्रियां, गरीबी, बेरोजगारी, इस चेहरे का जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। कुछ ही दूरी पर चल रहे डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में इन्हीं की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले एल्गिन ग्रोव का कहना है कि होना जाना कुछ भी नहीं है। Nothing to do for the kids, school's closing. वीरान इमारतें, फारिग बच्चे, बंद होते स्कूल, ऐसा कुछ नहीं कि उम्मीद पैदा हो। सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं, बस अंदाज मुख्तलिफ है। इस इलाके में बच्चों का कोई स्कूल नहीं है, लेकिन डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन के अमेरिका में कोई भी बच्ची जो चाहे वो मुकाम हासिल कर सकती है। नाया एवरेट ने हिलरी से उम्मीदें लगा रखी है। बच्चों के लिए डे केयर सेंटर होना चाहिए, बिजली और गैस सस्ती हो। मेरे ख्याल में हिलरी ये सारे काम करेंगी। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये सियासतदान जो कहते हैं, काश वो करते भी। यहाँ से मुश्किल से 2 मील की दूरी पर चल रहे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से निकलने वाली आवाजें यहाँ के रहने वालों के लिए बेमानी सी हैं। इनके लिए बरसों से यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आई है और ना ही उन्हें नवंबर के बाद किसी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद है। डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गज बरसों से चले आ रहे अपने इस वोट बैंक की जिंदगी बदलने का ख्वाब दिखा रहे हैं। बिल क्लिंटन ने अपने राज में इस तबके के लिए हजारों नौकरियां पैदा की थी और हिलरी भी ऐसा ही करेंगी, इसकी उम्मीद दिला रहे हैं। और इसी माहौल में पार्टी की अंदरूनी उठापटक के बाद मंगल को हिलरी क्लिंटन ने पार्टी की उम्मीदवारी जीतकर अमरीकी तारीख में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने एक अनदेखी दीवार को पार कर लिया है। लेकिन नॉर्थ फिलाडेल्फिया जैसे इलाकों में किसी बच्ची को ये यकीन दिलाना कि वो भी जो चाहे वो ख्वाब देख सकती है, फिलहाल पानी की बूंदों को पकड़ने जैसा होगा। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, फिलाडेल्फिया। और अब डिजिटल दुनिया की हलचल। सीरिया में कुर्दों के नियंत्रण वाले शहर कमिशली में एक बड़े बम धमाके में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी तथाकथित इस्लामिक स्टेट गुट ने ली है। समझा जाता है कि यह धमाका एक बड़े ट्रक से किया गया जिसमें विस्फोटक भरा था। तुर्की में अधिकारियों ने 47 और पत्रकारों की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। ये पत्रकार एक बंद पड़े अखबार के लिए काम करते थे जिस पर कथित तौर पर अमेरिका में रहने वाले एक तुर्क मौलवी से जुड़े होने का आरोप लगता है। वहां 2 दिन पहले भी 40 से ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ वारंट जारी किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में एक नाबालिग कारावास में दुर्व्यवहार के स्कैंडल का चेहरा बने टीनेजर डिलन वॉलर ने उन्हें समर्थन देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों का आभार प्रकट किया है। एक डॉक्यूमेंट्री में डिलन की कुर्सी से बंधे होने की तस्वीरें दिखाई गई थी जिसकी काफी निंदा हुई। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स की जाँच के आदेश दिए हैं। फ्रांस में कल एक चर्च में पादरी की हत्या के बाद देश के धार्मिक नेताओं ने उपासना स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आज ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और बौद्ध नेताओं ने राष्ट्रपति ओलांद से मुलाकात की। इस बीच फ्रांस में सरकार की सुरक्षा नीति को लेकर बहस छिड़ गई है। पेरिस से बीबीसी संवाददाता एंड्रू प्लांट।
फ्रेंच मीडिया में इस समय फ्रांसुआ ओलांद को लेकर भी चर्चा हो रही है, उनकी आलोचना हो रही है। पिछले साल जनवरी में शार्ली एब्दो का हमला हुआ, फिर नवंबर में बटकलान का हमला हुआ। ऐसा लग रहा था कि ओलांद इन्हें लेकर काफी सख्त होने जा रहे हैं। हाल में खासकर नीस हमले के बाद से उनकी सरकार काफी दबाव में है और लोग कह रहे हैं कि शायद वो उतनी कोशिश नहीं कर रहे जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। तो सवाल ये उठ रहा है कि और क्या किया जाए, और ये एक राजनीतिक मुद्दे में बदलता जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी ने कहा है कि पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और फ्रांस को अपनी नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। वहीं दक्षिणपंथी नेता मरी लपेन ने कहा है कि दोनों नेताओं के इस तरह एक दूसरे को कोसने से किसी को फायदा नहीं होगा, इसलिए नेतृत्व किसी और को सौंपा जाना चाहिए। तो फ्रांस में अभी काफी कुछ राजनीतिक चर्चा चल रही है। बीबीसी शॉर्ट्स में आज मछुआरों ने बचाया बेबी वेल, चर्चिल की पेंटिंग्स की नीलामी और जुड़वां पांडों को देखने जुटी भीड़। उत्तरी पेरू में मछुआरे वेल के बच्चे के लिए फरिश्ते की तरह सामने आए। ये बेबी वेल उनकी जाल में फंस गया था। मछुआरों ने 2 घंटे के लिए मछली पकड़ना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ वेल को बचाने में लगाया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की बनाई हुई कुछ ऑयल पेंटिंग्स की नीलामी की जा रही है, जिनके $1,00,000 से अधिक में बिकने की उम्मीद की जा रही है। इनमें गीजा के पिरामिड और मायामी बीच में वेनिस कॉजवे की पेंटिंग्स शामिल हैं। मकाओ में 1 महीने पहले जन्मे जुड़वा पांडो को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। उनकी देखभाल करने वाली टीम ने कहा कि वे अब अपने माँ बाप की तरह काले सफेद दिखने लगे हैं, हालांकि उनका चेहरा और नाक अभी भी गुलाबी ही है। ब्रिटेन के एक शहर लेस्टरशायर में नौजवानों को वर्चुअल रियलिटी दिखाने वाले खास चश्मों के जरिए सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होने का एहसास दिलाया जा रहा है। इन चश्मों को पहनने वाले दुर्घटना का हिस्सा होने का एहसास करते हैं और ये कोशिश सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की मुहिम के तहत की जा रही है। इन सभी युवाओं ने हाल ही में ड्राइविंग टेस्ट पास किया है, पर सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले लेस्टरशायर की रेस्क्यू सेवा की नई पहल के तहत उन्हें इस खास चश्मे की मदद से किसी सड़क दुर्घटना के बाद का मंजर दिखाया जा रहा है। चश्मा पहनने वालों को लगता है कि चोट उन्हें ही लगी है और उनका इलाज किया जा रहा है। ये दिल दहला देने वाला एहसास रहा। मैंने सोचा नहीं कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा। अब तो गाड़ी में बैठने में भी डर लगेगा। It was very realistic. सब कुछ असली लग रहा था और जब मेरे पैर में इंजेक्शन लगाया गया तो मुझे दर्द का एहसास हुआ। मुझे खुद को ये याद दिलाना पड़ा कि ये सच नहीं है। युवाओं के सड़क दुर्घटनाओं में शामिल होने के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। इस कोशिश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ये नौजवान अब गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा सावधान रहेंगे। ब्राजील के रियो शहर में अगले हफ्ते ओलंपिक खेल शुरू होंगे। ओलंपिक पर हम आपके लिए लेकर आएंगे विशेष रिपोर्टें। शुरुआत ओलंपिक तक पहुंचने वाली कुछ महिला खिलाड़ियों की कहानी से। पहली कड़ी में आज मुलाकात भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर से। दीपा कर्माकर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। मैं बिलोंग करती हूँ त्रिपुरा से। बहुत ही छोटा सा स्टेट है और बहुत गरीब है, और इंडिया में तो आधे लोगों को पता भी नहीं त्रिपुरा कहाँ है। मैं जो पहले जिम से शुरू किया था विवेकानंद व्यायामागार से, वहाँ पे ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं था, एकदम नहीं था, पूरा बेसिक लेवल का था। जो वॉल्टिंग टेबल है वो भी नहीं था, वहाँ पे मैट लगा के वहाँ पे करता था। पुराना वाला जिम में मैंने शुरू किया था, वहाँ पे जैसे बारिश होता था हम बाहर था, जिम में पानी आ जाता था, तब चूहे वो कॉकरोच वगैरह घूमते थे, ऐसे तो मैं ऐसे स्ट्रगल करके जिम्नास्टिक्स शुरू किया। जो मैं त्रिपुरा की एक सेलिब्रिटी हो गई, तो तब तो उसके बाद मुझे और भी लगते कि इन लोगों को मुझे और भी कुछ देना बचा है अभी तक। दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बीबीसी दुनिया की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।